गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कल जो तराल में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे एक एसपीओ को शहीद कर दिया गया। जब उसकी वाइफ और बेटी बचाने आई तो मिलिटेंट ने उसको भी अंदाजुल फायर किया, उसको भी शहीद कर दिया। उसमें जैश मोहम्मद का एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था और एक जैश का लोकल मिलिटेंट उसमें इन्वॉल्व था। उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, पीछे पड़े हैं, ट्रैक कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी उसको हम लोग इंक्लाइज कर लेंगे। मिलिटेंट ने यह दिखा दिया कि कितना ही बारबड़ी होता है कि टीआरएफ वाले जो क्लेम करते हैं, इन्वेस्टमेंट को मार को क्लेम करते हैं कि ये इन्फॉर्मर था, मुखबिर था, ये शो करता है कि जो कितने लोग बारबड़ी हैं, कितने झूठ बोलते हैं, कितने लोग दूसरे लोग उनकी वाइफ या बेटी कोई किसी का सोर्स नहीं थी। हस्बैंड भी एसपीओ था, बेचारा नौकरी कर रहा था पुलिस में। पुलिस करना, नौकरी करना तो गुनाह नहीं, अगर कोई पुलिस वाला एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन भाग लेते हैं वो भी गुनाह नहीं, उनका ड्यूटी का पार्ट है। जबकि बेचारा वो कोई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं था, सिंपल एक एसपीओ था। गरीबी हालत लोग नौकरी ऐसा करते हैं पूरा, ये मिलिटेंट का असली चेहरा है। पिछले कुछ दिन में इनोसेंट को, सिविलियन हो या पुलिस वाला जो कहीं छुट्टी पर जाते हैं, अपने घर जाते हैं या मस्जिद के पास नमाज पढ़ने जाते हैं, उसको टारगेट कर रहा है लोग। एक सोसाइटी में, एक कश्मीर में एक फेयर साइकोसिस एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं। किनको डर है आने वाले दिन में यहाँ काफी टूरिस्ट आएंगे, लोग आएंगे, यहाँ पर अमन चैन होगा, उसको देखना नहीं चाहते हैं। कुछ पॉजिटिव टॉक भी चल रहा है उसको भी डिस्टर्ब करना चाहता है, इनका ये मेन मकसद है। यह नहीं चाहता कि यहाँ पर शांति हो, लोग यहाँ पर विकास ही, लोग डेवलपमेंट हो, लोग दो पैसा कमाए, इसलिए ये सिविलियन को और इंसेंट को टारगेट कर रहे हैं लोग। जहां तक कल का ऑपरेशन के बाद बात है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लालपुरा एनकाउंटर की अटैक के, सॉरी अटैक के बाद और खुशीपुरा अटैक के बाद, खुशीपुरा में हमारे आर्मी के दो जवान शहीद हुए थे और लालपुरा में मार्च में इसी साल सीआरपीएफ के तीन जवान शहीद हुए थे। हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए उस मॉडल को, उसमें जो गाड़ी हुआ उसको पहले पकड़ लिए थे, 10 लोग को हम लोग अरेस्ट कर लिए थे। उसमें नाम आया था अबराड़ का, नाम आया था जो नारकोल का है, नदीम अबराड़ पूरा नाम है, दूसरा एक एप्टिक का और खुर्शीद मीर का। ये तीनों का मॉडल, दोनों इंसिडेंट किया था बड़ा इस साल का। खुर्शीद सोपोर एनकाउंटर मारा गया, उससे जो हथियार AK-47 का रिकवर हुआ था वो हमारे सीआरपीएफ के जवान का था, उसका नंबर मैच कर गया। उसके बाद आप लोग एक खुद से देखे होंगे कि टीआरएफ वाले ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने खुद क्लेम किया था कि अबराड एंड कंपनी ने ये एक्शन किया है, आप सारे वीडियो देखे होंगे। हम लोग पुलिस की टीम हमारे डीआईजी अमित कुमार के सुपरविजन में क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, एक स्पेशल टीम बनाए थे, उसको उसके एक एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। कल मॉर्निंग में वो अबराड वहां से निकला था नॉर्थ कश्मीर से, और जो मुस्लिम जो है एक पाकिस्तान टेररिस्ट, दोनों को मिलके एक बहुत बड़ा हादसा दो जगह कर रहा था कल। उससे पहले हम लोग जिस गाड़ी में आ रहा था, हमारे एक स्पेशल नाका के सीआरपीएफ पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको हम लोग थाना में ले गए, इंटोगेट किया गया। ये ज्वाइंट इंटोगेशन था जिसमें सीआरपी आर्मी पुलिस तीनों विंग मिलकर इंटोगेट किया। उसके बाद एफआईआर लॉन्च किया, उसमें एक एफआईआर में उनको पूरा उसको अरेस्ट किए और इंडियन एविडेंस एक्ट 27 सेक्शन के तहत उसको हम लोग फिर जो बोला था कहां रिकवरी करने के लिए जो कानूनी लीगल है, हम लोग राइफल उसका जो था हथियार रिकवर करने गए थे। हालांकि एक पिस्टल और एक ग्रेनेड पहले रिकवर हो चुका था और जो घर सस्पेक्टेड हाउस गया था अंदर से फायरिंग आ गया। इस फायरिंग में हमारे सीआरपीएफ के एक ऑफिसर, तीन लोग टोटल इंजर्ड हो गए और उसको रिइंफोर्समेंट किया गया। सीआरपीएफ आर्मी पुलिस ने कॉर्डन को एक्सटेंड कर दिया, फिर इनकाउंटर चलता रहा। फिर तीसरा दूसरा मिलिटेंट जो था पाकिस्तानी मुस्लिम, वो घर से निकला हुआ और अंदाजुल फायर किया। बाद में इनकाउंटर में के तीन अफराद और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों मारे गए, वहां से भी दो एक पोर्शन मिला है। ये पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स से बहुत कमजोरी हो, क्योंकि ये मेडुल जो था ये पाकिस्तानी और ये नदी अफराद, इसका टारगेट था बार बार इस एक्सिस पर नारवाल से लेकर हैदरपुरा के बीच में बार बार एनएस को टारगेट करना, सिक्योरिटी फोर्स पर हमला करना, वेपन सेजिंग करना, यह इनका टारगेट रहा है। इसके लिए मैं अपने सिक्योरिटी फोर्स को बहुत मुबारकबाद देता हूँ।
और मैं मिलिटेंट्स के फैंस से बार बार फिर से अपील करना चाहता हूँ कि 74 पुलिस का फेस देखिए आपको लाइव इनकाउंटर में हम लोग सेंटर लेते हैं, उनको जिंदा रहने का मौका देते हैं लाइव इनकाउंटर में। लेकिन अगर कोई टेररिस्ट इस ढंग से इनोसेंट सिविलियन को किलिंग इन्वॉल्व होगा, 74 पुलिस प्रोटेक्ट करेगा, उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन जनरेट करके उसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो सर, श्रीनगर में जो मॉड्यूल एक्टिवेटेड है, खासकर जो सिविल लाइन्स एरिया जो मोरलेस प्रेजेंसी फ्री था काफी सालों से, वहां दो चार अटैक पॉइंट बागात में हुआ, फिर सीआईडी इंस्पेक्टर को, तो श्रीनगर में क्या रेजिडेंट मॉड्यूल मौजूद हैं लश्कर को, जो रेजिस्टेंस फ्रंट खासकर जो जिम्मेदारी ले रही है, आपको लगता है वो चैलेंज है उसको अभी? जैसा कि हम सब जानते हैं कि सितंबर फर्स्ट वीक में हम लोगों ने ये अनाउंस किया था कि श्रीनगर टेररिस्ट फ्री जोन हो गया, सही में हो गया था। उसके बाद सितंबर सेकंड वीक में एलईटी का एक साकिब जो है बड़जला का एक्टिव हो गया। उसके बाद फुटबनी रेडमिनी से जब आर्मी का पुलिस का वहां पर बहुत सिक्योरिटी फोर्स का प्रेशर पड़ा तो फुटबनी रेडमिनी से शिफ्ट होके अब बाद से श्रीनगर में सेल्टर लिया है। पाकिस्तान के इशारे पर, आयशा के इशारे पर यहाँ पर लोकल लड़कों को कुछ 5-6 को एक्टिव किया है जो अपने को टीआरएफ करते हैं, बल्कि एलईटी के टेररिस्ट है। उसमें एक मार चुका है उबैद, बाकी जो है उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं और बहुत जल्दी उसको या तो अरेस्ट कर लेंगे या इंकाउंटर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। जहां तक कि इंस्पेक्टर साहब की बात बोले तो देखिए, पुलिस वाले डेली छुट्टी पर हो या ऑफ टाइम में ऑफिस पर भर जाते हैं, उनको जाना पड़ेगा। हर एक लोग को हम लोग सिक्योरिटी फोर्स की तरह हम लोग कैंप में नहीं रह सकते हैं, ये लोकल है, डेली घर जाएंगे आएंगे, फैमिली के साथ रहना पड़ता है इनको। ये 100 टारगेट है, अगर ये मिलिटेंट इस टाइप से हमारे 100 टारगेट पे अटैक करेंगे, हम लोग भी आता है कि क्या क्या कैसे काम करना चाहिए। मुझे भी इसको पता है, 24 साल का बेस्ट एक्सपीरियंस हम लोग का भी, तो कैसे इसको हम लोग भी कॉन्फेयर कर सकते हैं। मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ इस टाइप के वारदात में नहीं फंसे। बेटा इंस्पेक्टर क्या करने गया था, ऑफिस ऑफ करने के बाद मॉस में नमाज पढ़ने गया, आप लोग वीडियो सारे देखे होंगे, मस्जिद के आगे दो टेरिस आगे पिस्टल था, नजर पीछे से फायर कर रहा है, वो किसका क्या बिगाड़ा था? वो तो कोई एसओजी में नहीं था, किसी एंटी टेरिस स्क्वाड में नहीं था, पूरा गांव सोसाइटी उनका कितना सेम बैठा, सिर्फ एक न्यूज बनाने के लिए, फेयर सर्कुलेशन पैदा करने के लिए इनोसेंट आदमी को ये लोग और जो सब टारगेट उनको टारगेट कर रहे हैं। घबराने की बात नहीं है, जो श्रीनगर में जो मॉड्यूल है इसके पास पिस्टल है, कुछ उसमें स्लीपर सेल भी है जिसको हम लोग पैटर्न टेररिस्ट बोलते हैं या हैबिट टेररिस्ट बोलते हैं। इस टाइम ये पार्ट टाइम है, एक इंसिडेंट करने का फिर अपना नॉर्मल काम करने शुरू कर देते हैं। जो फुल टाइम टेररिस्ट है उसको हम लोग पूरा ट्रेन करते हैं, जो पार्ट टाइम टेररिस्ट है जिसको हैबिट टेररिस्ट कहते हैं हम लोग, उसमें दिक्कत होती आती है हम लोग को, लेकिन हम लोग पूरा इसको सर्वेलेंस रखे हैं, बहुत जल्दी उसको भी न्यूट्रलाइज करते हैं। ड्रोन थ्रेट जो है आपने मीटिंग भी ली है उसको लेके, कितना प्रेजेंट और कितना क्लियर थ्रेट है और क्या आपकी एडवाइस दी, कैसे आप उसको टैकल करने का सोचते हैं? देखिए इस सिलसिला में परसों हम लोग जाके एक जिसमें आर्मी सीआरपी एयरफोर्स बीएसएफ एनएसजी के हर एक लोग साथ मीटिंग लिए, पूरा तैयारी कर लिए। थ्रेट बहुत सीरियस थ्रेट है, ये टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है, इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे और उसमें हम लोग काफी डिप्लॉयमेंट कर लिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट है, हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं पूरा डिटेल में। उसके बाद कल 15 कोड में जूसी 50 कोड कमांड साहब ने मीटिंग लिए, मैंने अटेंड किया, फर्द उसको सेंट्रल वो कर रहे हैं, जितने वाइटल स्टेशन है इसको भी प्लस एलपी पर भी। उसके अलावा आज देखे होंगे जैसा एक दल के एरिया में ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस जब्त कर लिया, एफआईआर लॉन्च किया, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही बोलते हैं, अवंतीपुरा खास करके जो हरी परिगाम बेल्ट है इसमें ट्रेडिशनली जेल का काफी रश था, इसमें मूवमेंट रहा शुरू से 2018 में इसी विलेज में जेल का टॉप कमांडर आदिम पठान मारा गया था। लास्ट ईयर 25 जनवरी को जेल का टॉप कमांडर काई आसिफ पाकिस्तानी मारा गया था। सिर्फ लोगों के दिखाने के लिए कोई सोर्स है, मुखबिर देख करके ये अपनी कम्युनिटी पर जाते हैं, टारगेट कर रहे हैं, हम लोग ऑपरेशन को एनहांस कर दिए, इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहे हैं, ह्यूमन पर और फोकस कर रहे हैं, तराल में 2-3 अच्छे ऑपरेशन निकाल के इसको भी जो कंट्रोल कर लेंगे।
उसमें वो लगे हुए अभी बहुत कुछ मिला है शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमारा जो फर्दर ऑपरेशन है वो हेम्पर हो सकता है। सर, क्या उसमें सोनू का कहना है विस्फोटक था, जैसा कि सुब्रू का कहना है कि उस गाड़ी में तीन विस्फोटक आईडीज थी। टोटल लेटर स्पीड में इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। अगर हम सर्च करने जा रहे हैं, हम मानते हैं कि इसमें मिल्टन अलमारी होगा, पलंग के नीचे होगा, रूफटॉप होगा, हो सकता है कि दरवाजे पे इंच छिपा हो। ये बहुत टेक्निकल, ये प्रोफेशनल हजार्ड है, इसको हमें सर्च करना पड़ेगा। ये टेरिस नदीम अब्राड था, हम लोग को नहीं पता था कि उसमें पाकिस्तानी मेरा मिल्टन है, उसमें मेरा है, बोला था उसमें मेरा एक पिस्टल हम लोग ले लिए थे, एक एस में रखा हुआ है, एक एक रिकॉर्ड करने गए थे। अगर वो बोलता है कि इसमें टेररिस्ट छिपा हुआ पा रहे थे, उसी ढंग से अलर्ट हो जाते हम लोग, हमारे ऑफिसर जवान इंजर्ड नहीं होते।